नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस मंच पर। तो आरओ एआरओ मेंस के लिए हमारी जो हिंदी की पढ़ाई चल रही है, हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, उसकी पूरी तैयारी के लिए आपको देखना है आपका अपना चैनल सक्सेस मंच। हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे अपनी इस पीपीटी की, जिसमें बहुत ही एक्सप्लेन करके आपको हिंदी के बारे में, हिंदी के विषय को अच्छे से पढ़ाया गया है। तो आज के इस लेक्चर में, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हिंदी में शीर्षक की, सार लेखन या सारांश की और व्याख्या की। तो अगर आपको अधिक अंक पाने हैं तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शीर्षक की। हमारे जो परीक्षा में सार आता है और उस पर शीर्षक लिखने को कहा जाता है, या शीर्षक का चयन करने की क्वेश्चन आता है, तो किसी भी सार का शीर्षक उपयुक्त प्रकार की उपयुक्त पाकर ही परीक्षक सार पढ़ने की आवश्यकता का अनुभव करता है। यानी कि अगर शीर्षक आकर्षक होता है, उपयुक्त होता है, तभी हम उस सार को पढ़ने की आवश्यकता महसूस करते हैं, या परीक्षक उस सार को पढ़ने की आवश्यकता महसूस करता है। अतः शीर्षक बहुत सोच विचार कर ही चुनना चाहिए। इससे आपकी बुद्धि की परख होती है, आपकी क्रिएटिविटी, क्रिएटिव इंटेलिजेंस की परख होती है कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सृजनात्मकता, आपकी सृजनात्मक बुद्धि कहाँ तक सोच सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो शीर्षक है, जो मैं अभी पहले भी बता चुकी हूँ आपको, कि सदैव आकर्षक और रुचिकर होना चाहिए, तभी हम उसको पढ़ने के लिए उत्सुक होंगे। साथ ही उपयुक्त भी हो, ये नहीं कि बहुत आकर्षक, बहुत ही रुचिकर हो लेकिन उसमें उपयोगिता नहीं हो, उसमें ये ना हो कि अंदर क्या है पता ही ना चले, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो उपयुक्त भी होना चाहिए, उपयुक्त इस सेंस में कि संपूर्ण सामग्री का तथ्य अथवा आशय स्पष्ट करता हो। इसके बाद अगर शीर्षक, एक बार शीर्षक पढ़कर पाठक यह अंदाज लगा ले कि अनुच्छेद में क्या होगा, तो वो एक उचित उपयुक्त शीर्षक होगा। तो यानी कि शीर्षक एक तरह से सार के रूप में दो तीन शब्दों में अगर वो बता दे कि अनुच्छेद में क्या होगा, तो फिर वो एक उचित उपयुक्त शीर्षक है। इसके अलावा शीर्षक में इतना अधिक आकर्षण हो कि वह पाठक को सामग्री पढ़ने पर मजबूर कर दे, यानी कि उपयुक्त भी है और आकर्षक भी है, रुचिकर भी है, दोनों ही बातें उसमें होनी चाहिए एक शीर्षक को चयन करते वक्त। इसके बाद प्रायः शीर्षक एक शब्द अथवा एक पदबंध का ही होता है। एक शब्द में एक शीर्षक हो सकता है जिसके कई अर्थ लग सकते हैं, और उसके अंदर पूरा जो सार है, पूरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद का सार है, वो समाहित होना चाहिए। पदबंध भी हो सकता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं इसका शीर्षक है शीर्षक का चयन, ये एक पदबंध है, तो आप एक पदबंध भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि शीर्षक देने के लिए अधिकतर समास पद्धति का उपयोग या प्रयोग किया जाता है। कभी कोई सूक्ति या वाक्य भी उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। तो सूक्ति भी हो सकती है, कोई समास पद्धति भी हो सकती है, वाक्य भी हो सकता है, जो उचित हो, जो आकर्षक हो, रुचिकर हो, आकर्षण हो, और जिससे अनुच्छेद की में अंदाज लगा सके अनुच्छेद में क्या हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो सूक्ति भी हो सकती है, वो वाक्य भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है, तो कुछ भी होना चाहिए। नेक्स्ट है अनुच्छेद समझकर कई बार पढ़ लेने के बाद जो ज़्यादा आपके मन को जचे वही उपयुक्त शीर्षक होता है। यानी कि अगर आपको अनुच्छेद आया है और उसमें शीर्षक लिखने की बात आई है, तो उसको कई बार पढ़ना होगा, समझना होगा, और उसके बाद ही आप जांचें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, अपनी सृजनात्मकता का उपयोग करें, और तभी आप एक उपयुक्त शीर्षक की का चयन कर सकते हैं, सोच सकते हैं और लिख सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। तो ये था कुछ पॉइंट्स शीर्षक के चयन की। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। शीर्षक सदैव सामग्री पर आधारित और उसके केंद्रीय भाव से जुड़ा होना चाहिए। हमेशा वो सामग्री पर आधारित होना चाहिए, उसका केंद्रीय भाव अगर आपने पकड़ लिया शीर्षक में, तो वही सबसे इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है, सार संक्षेपण लिखने से पहले ही यदि शीर्षक स्पष्ट हो जाए तो विचारों को सार रूप में कागज पर उतारने में बहुत सुविधा रहती है। जैसे आपके UPPCS में भी आता है, आप अगर आपने दिए होंगे मेंस, तो उसमें आता है कि एक पूरा संक्षेपण एक पूरा दिया होता है अनुच्छेद, और उसका सार लिखने को भी आता है, और उसी में एक क्वेश्चन होता है इसका शीर्षक बताइए। तो अगर आपने उसका सार संक्षेपण लिखने से पहले शीर्षक अगर आप तय कर लें कि ये इसका शीर्षक होगा, तो जब आप उसका सार संक्षेपण लिखेंगे तो आपको उसके लिए आसानी होगी। तो पहले शीर्षक चयन करना ज़रूरी है। अगर कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जब सार लिखने की बारी आएगी तो आसानी और सुविधा होगी। नेक्स्ट, शीर्षक का चुनाव करना किसी चीज़ को जैसे का तैसा रट लेने वाला कार्य नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग चतुराई के साथ करना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अपनी बुद्धि का, अपनी सृजनात्मकता का पूरा प्रयोग करना ज़रूरी है। यह एक प्रकार का कौशल है जिसे निरंतर अभ्यास करके विकसित किया जा सकता है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सार संक्षेपण कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शीर्षक लिखिए, और इससे जैसे आप अगर न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आप कोई आर्टिकल पढ़िए और सोचिए कि इसका मैं एक अच्छा शीर्षक क्या सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ। तो ऐसे निरंतर अभ्यास करिए तो ये कौशल विकसित हो जाएगा। नेक्स्ट, शीर्षक चुनने के लिए आप अवतरण को 2-3 बार पढ़ जाइए और इसके केंद्रीय भाव पर विचार कीजिए। तो मतलब बार बार आपको पढ़ना है, एक नज़र में पढ़ना है, फिर दूसरी में, और उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लाइंस भी अंडरलाइन होती है, तो आप उसको भी 2-3 बार पढ़ सकते हैं एक केंद्रीय भाव को समझने के लिए। नेक्स्ट है, कभी कभी यह केंद्रीय भाव अवतरण के शुरू में ही मिल जाता है, परंतु इसका कोई कड़ा नियम नहीं है। कभी कभी यह अवतरण के मध्य में और कभी कभी अंत में भी हो सकता है। तो बस आप पढ़ लीजिए पूरा, आपको उसका सार समझ में आ जाएगा, तो आपको शीर्षक भी समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई रूल नहीं है कि शुरू में होगा या अंत में होगा, ज़्यादातर अंत में भी हो सकता है कि उसके बारे में पूरी चर्चा करने के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप में दिया हो, निष्कर्ष के रूप में दिया हो, तो वो निर्भर करता है कि वो अनुच्छेद किस प्रकार का है। तो ये हमने बात की शीर्षक के चयन के बारे में। शीर्षक तो चयन हो गया, अब हम लिखेंगे सारांश उस अनुच्छेद का। तो सारांश लिखने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि सारांश में होता क्या है, या सार लेखन भी इसे कहा जाता है। तो सार लेखन में किसी विस्तृत विषय वस्तु या अंश के मूल भावों को कम से कम शब्दों या वाक्यों में लिखा जाता है। सार लेखन की आवश्यकता कार्यालय, वाणिज्य, पत्रकारिता, शिक्षा आदि कई क्षेत्रों में होती है। किसी सामग्री का सार लिखना एक उपयोगी कला है जिसका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो कोई भी विस्तृत विषय वस्तु है, कोई विस्तृत जानकारी है, जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, अगर उसको कम से कम शब्दों में आपको बताना है किसी को इस आर्टिकल में क्या है, तो आप पूरा आर्टिकल तो पढ़ेंगे नहीं, आप उसको कम से कम शब्दों में बताएंगे, तो वही है सारांश। इसको इंग्लिश में प्रेसीज भी कहते हैं, प्रेसी राइटिंग आपने पढ़ा होगा। तो सार लेखन वही है कि आप एक विस्तृत विषय वस्तु को कम से कम शब्दों में ढाल कर लिख सकें। अब सार लेखन की प्रक्रिया मतलब आप कैसे, कौन सी व्यवस्था को चुनेंगे जिससे कि आपका सार लेखन एक अच्छा सार लेखन के रूप में आप लिख सकें। तो सबसे पहले मूल सामग्री का बोध, सबसे पहले जो भी आपके अनुच्छेद है उसका बोध होना चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। फिर मूल भाव की पहचान, अब आप उसको पढ़ेंगे, जो आपने शीर्षक निर्धारित करने के लिए उसको पूरा पढ़ा था, तो आपने मूल भाव की पहचान भी कर ली होगी कि उसका केंद्रीय भाव, मूल भाव क्या है, संबंधित भावों की पहचान। नेक्स्ट, आप जब आप मूल भाव समझ जाएंगे तो और भी जो पॉइंट्स उससे रिलेटेड जो भाव हैं उसको भी आप समझने की कोशिश करेंगे। अब मूल भाव को स्पष्ट करने वाली व्याख्या, उदाहरण और दोहराव की पहचान,
अब आप उस अनुच्छेद में देखेंगे कि कौन सी चीज़ें व्याख्या के रूप में प्रस्तुत की गई हैं, कौन सी उदाहरण के रूप में दोहराव के, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये आपको यूज़ नहीं करना है अपने सार लेखन में। नेक्स्ट, मूल भाव को प्रभावी बनाने वाले तत्वों अर्थात कथाओं, अलंकारों, प्रसिद्ध कथनों और रचनात्मक तथा व्यास शैली की पहचान, ये सारी चीज़ें भी आप अपने सार लेखन में यूज़ नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। कथाएं, अलंकार, प्रसिद्ध कथन, रचनात्मक और व्यास शैली। उसके बाद मूल भाव को स्पष्ट करने के लिए विस्तार देने वाले वाक्यों को हटाते हुए सार लेखन। तो विस्तार देने वाले वाक्य यही हैं जो आपको इससे पहले पॉइंट्स में बताए गए, यानी कि व्याख्या, आप देखते हैं कोई उदाहरण, कोई दोहराव, दोबारा दोबारा उसी चीज़ को बोला जा रहा है, कोई कथा के रूप में एग्जाम्पल दिया जा रहा है, कोई अलंकार है, कोई प्रसिद्ध कथन है, रचनात्मक शैली का यूज़ किया गया है, प्रयोग किया गया है, व्यास शैली का प्रयोग किया गया है। तो ऐसे स्थिति में आप उन सब चीज़ों को हटाएंगे और फिर जो बचता है उसमें से सार लेख कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम मूल सामग्री को एक बार, दो बार या ज़्यादा बार पढ़कर उसे समझते हैं और पता लगाते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। इसे पढ़ने और समझने के दौरान हम जान लेते हैं कि सामग्री का मूल भाव क्या है और उससे संबंधित अन्य भाव कौन से हैं। तो ये बहुत ही कठिन काम नहीं है, क्योंकि आपको करना है बस प्रैक्टिस। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई बुक में से ही आप सार लेखन के लिए अनुच्छेद पढ़ें, आप डेली के न्यूज़पेपर को लीजिए, आप डेली के किसी मैगज़ीन को लीजिए जिसमें आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसी में से आप सार लेखन की प्रैक्टिस कीजिए। आप उसको दो बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, उससे क्या होगा फ़ायदा आपको कि आप जनरल स्टडीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे हैं और साथ के साथ आप हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ करने के लिए आप अलग से सार लेखन के लिए हिंदी की बुक लेके बैठिए नहीं, मैं ये सलाह नहीं दूंगी आपको। आपको क्या करना है, अपने न्यूज़पेपर उठाइए, एक आर्टिकल पढ़िए और उसका सार लेखन कर लीजिए। आपको पता है उसे डबल फ़ायदा होने वाला है, क्यों? क्योंकि आपका एक तो वो तैयारी हो जाएगी जनरल स्टडीज़ के पेपर की, साथ में साथ आपने सार लेखन किया है। दोस्तों, आपने सार लेखन किया है इसका मतलब आपने अपने शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो आपकी हिंदी की भी तैयारी हो गई, आपकी सार लेखन की भी तैयारी हो गई और आपकी जनरल स्टडीज़ की भी तैयारी हो गई। अब सार लेखन करते वक्त दो प्रमुख विधियाँ हैं। अब ये जो दो प्रमुख विधियाँ हैं, नाम से ही आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे शब्दों को कम करना है दो विधियों के द्वारा। तो ये कला है, इस कला के लिए आपके पास दो विधियाँ हैं, एक है त्याग विधि और दूसरी है परिवर्तन विधि। तो त्याग विधि से, जैसा कि ये एक डिटेल में आपके पास दिया गया है, मैं पढ़ देती हूँ इसको, कि त्याग विधि के अंतर्गत शब्दों को छोड़ना होता है, अर्थात जो शब्द कम काम के नहीं हैं, जिन्हें हटा देने पर भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसे त्याग विधि कहते हैं। इसमें लेखक का परिचय, पता आदि नहीं लिखा जाता। किसी बात को यदि उदाहरण आदि देकर समझाया जाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है, केवल मूल संदेश ही लिया जाता है। लोकोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग भी त्याग दिया जाता है। वाक्यों को संकुचित करके लिखा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से काम चलाया जाता है। भाषा में चुस्ती और कसाव अपेक्षित है, जिससे संक्षेपण सरल, स्वाभाविक, सुंदर और प्रभावी लगे। इन बातों का कार्यालय में पत्रों, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि को संक्षेप में लिखते समय भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पहली स्लाइड में भी, इससे पहले की स्लाइड में भी बताया, कि जहाँ पर उदाहरण है, जहाँ पर लोकोक्ति है, जहाँ पर कोई कथा है, जहाँ पर कोई अलंकार है, कोई एग्जाम्पल है, उदाहरण दिया गया है, वह उन चीज़ों को बिल्कुल साइड कर लें, उन चीज़ों को बिल्कुल देखना ही नहीं है आपको। दोबारा पढ़ते वक्त भी आप ना देखें तो चलेगा, क्योंकि वो आपको ऐड करनी ही नहीं है अपनी सार लेखन में। एक और बात बता दूं मैं आपको कि सार लेखन को संक्षेपण भी कहा जाता है। तो सारांश, सार लेखन, संक्षेपण, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो त्याग विधि में आपको त्यागनी है जो इररेलेवेंट थिंग्स हैं, जो अनावश्यक बातें हैं।
फिर आपकी नेक्स्ट विधि परिवर्तन विधि। इस विधि में, परिवर्तन विधि में, मूल अवतरण की भाषा को ज्यों का त्यों ना उतारकर कुछ परिवर्तन करना अपेक्षित है। जैसे संधि और समास का प्रयोग करके शब्दों को कम किया जा सकता है। अब एक उदाहरण भी देख लेते हैं हम। पीला वस्त्र पहनने वाले कृष्ण भगवान के लिए हम केवल पीताम्बर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर राजा का पुत्र के लिए हम राजपुत्र कह सकते हैं। तो हमने शब्दों को परिवर्तित करके उनको सार रूप में प्रस्तुत किया, कम किया। फिर है इसी प्रकार कई शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग कर वाक्यों को छोटा किया जा सकता है। जैसे जो ईश्वर को ना मानता हो उसे नास्तिक शब्द कहकर काम चलाया जा सकता है, या फिर जिस पर मुकदमा चल रहा हो वह अभियुक्त कहलाता है। अच्छे आचरण वाला सदाचारी, और जो पढ़ा जा सके वह पठनीय आदि। तो यानी कि परिवर्तन विधि में मुख्य रूप से समास और संधि, इनका प्रयोग करके जो ज़्यादा शब्द हैं उनको कम किया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एक है त्याग विधि, परिवर्तन विधि, दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन दे दी है और समझ भी गए होंगे आप कि त्याग विधि में हमें एक्स्ट्रा जो इररिलेवेंट थिंग्स है, जो अनावश्यक बातें हैं, उनको हटाना है, और परिवर्तन विधि में ज़्यादा शब्दों को कम शब्दों में ज्यों का त्यों ना उतार कर जो ज़्यादा शब्द हैं उनको कम किया जाता है संधि और समास के माध्यम से। नेक्स्ट थोड़ा सा हम बताएंगे कि जब आप सार लेखन करें, जब आप सारांश लिखें, या हम कह सकते हैं संक्षेपण लिखें, तो उस समय क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें हैं। काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली हैं, फिर से हम उसको बात करेंगे इसकी कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। तो एक पहली है कि एक दो या अधिक बार पढ़कर मूल सामग्री को समझना ज़रूरी है। तो आप एक बार दो बार, मतलब कम से कम तीन बार, तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है, अनुभव कहता है कि तीन बार तो आपको पढ़ना चाहिएगी। पहली बार तो बहुत ही जल्दी जल्दी वाली रीडिंग होती है, बस देख लिया। दूसरी बार थोड़ी स्लो मोशन में रीडिंग होती है, और थर्ड टाइम भी आपकी थोड़ी फास्ट रहती है, तो उसमें आपको समझ आ जाता है कि मूल सामग्री, मूल भाव है क्या। नेक्स्ट, सामग्री में आई व्याख्याओं, उदाहरणों और भावों के दोहराव को रेखांकित करना। रेखांकित क्यों करना है? क्योंकि वो आपको यूज़ करना नहीं है अपने सारांश में। फिर मूल भाव को अलग कागज़ पर लिखना। नेक्स्ट, मूल भाव और उससे संबंधित भावों के आधार पर विवरणात्मक अन्य पुरुष शैली में मूल सामग्री से लगभग एक तिहाई आकार में सार संक्षेपण लिखना। तो यानी कि अन्य पुरुष शैली में आपको लिखना है, ये याद रखना है, विवरण के रूप में लिखना है और एक तिहाई भाग में लिखना है। अगर 100 शब्द का है तो आपको 33 शब्दों में ख़त्म करना है आपका सारांश। तो ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, एक लाइन में वर्ड्स को गिन लीजिए, अगर 10 हैं तो 10 लाइन में 100 होंगे, आपको फिर उसी हिसाब से 3 या 4 लाइन उस जो छपा हुआ है उसका लिखना है। फिर लिखित सार को पढ़ना और देखना कि कहीं उसमें कोई मुख्य बात आने से रह तो नहीं गई है। आवश्यक होने पर सार का संपादन करना। संपादन का अर्थ है कि सार में कोई मुख्य बात आने से रह गई है तो उसे जोड़ना, यदि उसमें कोई दोहराव है तो उसे हटाना, और भाषा शैली को उपयुक्त बनाना। तो अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको ऐड करें और जो दोहराव है उसको हटाएं, तो फिर जब आप फाइनली एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये सारी गलतियां होंगी नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हमने पढ़ा शीर्षक के बारे में, सार लेखन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे व्याख्या। क्योंकि अनुच्छेद आता है, उसका शीर्षक आता है, उसका सारांश आता है, और उसके बाद क्वेश्चन होता है व्याख्या का। तो व्याख्या को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्याख्या क्या है। इसके अंतर्गत भाव विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। लेखन की प्रक्रिया को हिंदी में भाव पल्लवन भी कहते हैं, या वृद्धिकरण, संवर्धन, भाव विस्तार आदि इसके अन्य नाम हैं। तो जैसे सारांश होता है उसका अपोजिट, विलोम हम कह सकते हैं व्याख्या है, क्योंकि इसमें भाव पल्लवन किया जाता है, इसमें वृद्धिकरण, जो लिखा गया है उसकी वृद्धिकरण किया जाता है। देख लेते हैं हम कि जब किसी विचार को कम से कम शब्दों में प्रकट किया जाता है,
या उसे सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसके अर्थ ग्रहण करने में कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कि उन पंक्तियों को व्याख्या किया जाए ताकि उसे सरलता से समझा जा सके। अब आपको याद होगा कि आपकी हिंदी की 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा में एक चार पंक्तियों की एक पोयम आती थी और उसमें लिखा होता था इसकी भाव सहित व्याख्या कीजिए या इसका भावार्थ लिखिए, तो आप उसको एक पेज में दो पेज में भर के उसकी व्याख्या करते थे। तो यही है व्याख्या, यानी कि इसमें कम शब्दों में तीन चार लाइन में कोई आपको सूक्ति दी होगी या एक ही लाइन में अगर आपको कोई मुहावरा दिया मान लो उसकी व्याख्या करने को बोल दिया, तो इसका मतलब इसमें संवर्धन किया जाता है, विस्तृत रूप से लिखा जाता है। तो ये सारांश का एकदम उल्टा हुआ, विलोम हुआ। अब व्याख्या से संबंधित कुछ प्रमुख नियम हैं, उन नियमों को जान लेते हैं कि अवतरण के संपूर्ण भाव को अच्छी तरह समझने का प्रयास करना। जो अवतरण जो आपको दिया गया है एग्जाम में, जो तीन चार लाइन्स पांच लाइन जो देते हैं उसके संपूर्ण भाग को अच्छी तरह समझना, फिर मूल भाव के साथ साथ गौण या सहायक विचारों को भी समझने की चेष्टा करना। यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप मूल भाव को तो समझे ही समझे, वो जल्दी समझ भी आ जाएगा आपको, लेकिन उसके साथ उससे जुड़े जो गौण और सहायक विचार हैं उसको भी समझना है, क्योंकि अब आपको विस्तार से लिखना है। नेक्स्ट, कुछ उदाहरण या तथ्य भी दिए जा सकते हैं। भाषा में स्पष्टता, मौलिकता, सरलता होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्य अधिक उपयुक्त होते हैं। हमें लगता है कि हम बहुत ही बड़े बड़े लाइन्स लिख दें, वो जो परीक्षक होते हैं उनको बड़े पसंद आते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपको अपनी भाषा सरल रखनी है, स्पष्ट रखनी है और मौलिक होनी ज़रूरी है। ये नहीं उसमें अलंकृत आप भाषा लिख रहे हैं, सजा धजा के अपनी भाषा को प्रस्तुत कर रहे हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। वो साहित्य में पसंद की जाती है पर एग्ज़ाम में पसंद नहीं की जाती है। नेक्स्ट, अलंकृत भाषा लिखने से बचना चाहिए, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। फिर लेखक के मनोभावों का ही विस्तार होना चाहिए, टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके अपने भी बहुत सारे विचार हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आपने कोई ऐसे की तैयारी की है और आपको उसी से रिलेटेड व्याख्या लिखने को आ गई, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि उसका ऐसे में आप जैसे ग्लोबलाइजेशन है तो उसका आप पॉजिटिव नेगेटिव एवरीथिंग आप लिख रहे हो, वो नहीं है यहाँ पे ज़रूरी। तो आपको क्या करना है, लेखक के मनोभाव, जो लेखक ने अवतरण दिया है उसी के मनोभाव का विस्तार करना है। अपनी तरफ से कुछ जोड़ना नहीं है, अपनी तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स ये सोच के नहीं जोड़ना है कि परीक्षक को बड़ा अच्छा लगेगा कि ये तो बड़ा ही अच्छा परीक्षार्थी है कि इसने तो बड़े सारे करंट घटनाओं को जोड़कर बड़ा अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं है, वो आपको मार्क्स कम ही मिलेंगे। फिर इसकी रचना अन्य पुरुष में होनी चाहिए, यानी कि अन्य पुरुष में ही आप लिखेंगे कोई भी व्याख्या। तो ये आज का हमने देखा कि शीर्षक, सार लेखन और व्याख्या। अब इसको एग्जाम्पल के साथ भी हम आपको प्रस्तुत करेंगे अपने अगले क्लासेस में, तो हमारे चैनल को इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। बहुत कम लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ हमारा चैनल भेजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम PPT भी इतनी अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं कि आप बस PPT से भी पढ़ें तो आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाए। तो आप भी हमारा साथ दीजिए इसी तरह से, हमें कोई लालच नहीं है, बस हम आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम आप ही की हेल्प कर रहे हैं, हम इससे हमारी अपनी खुद की हेल्प भी कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद तैयारी कर रहे हैं, हम खुद एग्ज़ाम्स देते हैं और हम जानते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक सही सलाह का मिलना, सही मटेरियल का मिलना। और आपको बता दें कि ये सारी जो PPT और ये सारा जो मटेरियल है वो हम बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके बनाते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, उसके बाद ही आपको प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसा नहीं है
कि हम बस खाना पूर्ति कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, बस हम ज़्यादा लोगों को शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता और हमारा मोटिव वो नहीं है कि पैसा कमाना है, हमारा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और हमारी तैयारी भी होती रहे इसके साथ साथ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल सक्सेस मंच, सब्सक्राइबिंग आवर चैनल एंड लाइकिंग आवर वीडियोज, थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर अलका सिंह आपसे इजाज़त लेती हूँ, नमस्कार।